हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बैटरी के बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों, अभी मेरी बैटरी को अपग्रेड या चेंज करे हुए लगभग 15-16 महीने हो चुके हैं, लगभग 1.5 साल के आसपास हो चुके हैं। एंड इसके बीच मैंने कभी भी उसको उसमें कुछ वाटर टॉप अप नहीं किया है। हालांकि उसमें करने का ज़रूरत नहीं होता है, सील्ड बैटरी बोलती है कंपनी उसको, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी थोड़ी उसमें जो बैटरी का वाटर है वो कम होते रहता है ओवर द टाइम। तो उसको अगर हम टॉप अप करेंगे तो उससे थोड़ी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है बैटरी की, थोड़ी सी लाइफ आपको एक्स्ट्रा मिलती है। तो अभी इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि बैटरी का लेवल कितना है, कम तो नहीं हुआ है। अगर कम हुआ है तो उसको टॉप अप करेंगे। एंड बस दोस्तों, उसी पे पूरा वीडियो होने वाला है आज, गाड़ी की बैटरी के ऊपर। एंड मैं बीच बीच में कुछ आपको ऐसे बात बताते रहूँगा बैटरी के बारे में, जिससे आप अपनी बैटरी की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, सबसे पहले बैटरी का वाटर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग वो सिरिंज भी ले लेंगे। सिरिंज का काम मैं आपको बताऊँगा, सिरिंज का काम क्या है। तो अभी तो फ़िलहाल चलते हैं बैटरी वाटर लेने के लिए। दोस्तों, अभी हमारे पास देख सकते हैं ये सिरिंज आ चुका है। मुझे 10 ml का सिरिंज मिला है, इससे ज़्यादा इससे बड़ा मुझे मिला नहीं। मैंने 2-3 शॉप्स पे पूछा एंड मुझे ये 10 ml का सिरिंज मिला है। एंड ये बैटरी वाटर मिला है 1 लीटर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं गाड़ी के बोनट की तरफ एंड बोनट खोल के फिर हम बैटरी को अभी एक बार खोलेंगे तो पूरा पता चलेगा क्या है सिनेरियो। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे रख लिया है एंड देन अभी ये देख सकते हैं ये बैटरी है, इसको खोलते हैं। चलिए इस रिंग से खोलने की कोशिश करते हैं। ओके, सैडली ये छोटा पड़ गया है, इससे ओपन नहीं हो रहा है। इसकी हेल्प से हम खोलते हैं इसको। तो अभी हमने बैटरी को खोल लिया है एंड अभी इसके टर्मिनल्स को हम लोग निकालेंगे। ये काम आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, तो थोड़े हाथ आपके गंदे होंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये 6-7 महीने में एक बार ही करना होता है आपको। क्या यार, एक भी नहीं लग रहा है हमारा, एक भी नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कैप एक ओपन करते हैं। इसमें दोस्तों पानी है लेकिन वो उतना एडिक्वेट नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें कम हुआ है, इसको टॉपअप की ज़रूरत है अभी। एंड ये वाला अगर हमें खोलना है तो ये खोलना पड़ेगा। तो चलिए पहले एक हम इसको टॉपअप कर लेते हैं एंड देन हम उसकी तरफ आगे वाले की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देख सकते हैं मेरे पास सिरिंज है, अब मैं सिरिंज को इसमें खींचूँगा। का काम नहीं है, इसको हम निकाल देते हैं, बस इससे है। तो ये हम ले लिया बैटरी वाटर। एंड इसको धीरे धीरे हम लोग टॉप अप करेंगे। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको कहाँ तक इसको फिल करना है। यहाँ तक देख सकते हैं, जो इसका जो एंड हो रहा है ना, ये जो फिलिंग का जिसका जो एंड हो रहा है, बस वहाँ तक पानी हमको फिल करना है। हमको पूरा इसका टॉप अप, इसका पूरा गले तक पानी नहीं भरना है, बस इसको टच होना चाहिए जो इसका अंदर का। आई एम नॉट श्योर अगर आपको दिख रहा है कि नहीं है, एक मिनट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो
देख सकते हैं आप, जहाँ पे इसका जो ये एंड हो रहा है, जो ये प्लास्टिक वाला पार्ट जो एंड हो रहा है, वहाँ तक पानी टच होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो चलिए मैं एक एक करके फिल कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। दोस्तों एक हमारा वो फिल हो चुका है, एक सेल। दूसरा वाला भी हमने फिल कर लिया। हमने तीसरा वाला भी कर लीजिए। दोस्तों ये काफ़ी ध्यान से आपको करना पड़ेगा, ये आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपका हाथ या कोई भी स्किन इसमें टच ना हो, क्योंकि ये एसिड होता है एंड ये आपको जला सकती है। तो हमने इसको फिल कर लिया है, थोड़ा थोड़ा इसको टॉप अप की ज़रूरत है। दोस्तों एक साइड हमने फिल कर लिया है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे वाले साइड की तरफ। पहले उसको ओपन कर देते हैं, उसको पहले अच्छे से ओपन कर देते हैं। ये अच्छे से लॉक हो चुका है, ये अच्छे से लॉक हो चुका है। चलिए दूसरा वाला मैं खोल लेता हूँ, दूसरा टर्मिनल खोलना पड़ेगा हमें। टर्मिनल तो नहीं खोलना पड़ेगा, इसको मैं ट्विस्ट करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों मैंने टर्मिनल को पूरा निकाला नहीं है, बस मैंने इसको थोड़ा सा वहाँ पे स्लाइड कर दिया है एंड हम ये कैप ओपन करके देखते हैं। इसमें भी टॉप अप करने का ज़रूरत है दोस्तों हमें थोड़ा थोड़ा, एंड इसको भी मैं जल्दी जल्दी टॉप अप कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने दोस्तों अभी बराबर बराबर मात्रा में हमने इसको टॉप अप कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको पूरा फिल नहीं किया है, जहाँ तक इसका मतलब एंडिंग है मैंने वहीं तक फिल किया है इसको, और उतना ही ज़रूरत है उसको। तो चलिए अभी इसको हम लोग मतलब फिर से क्लोज कर देते हैं एज इट इज़। दोस्तों फाइनली हमने टॉप अप कर दिया है, अब इसको कर देते हैं बंद।
दोस्तों अभी मैंने इसको बैटरी को मतलब टॉपअप कर दिया है पानी से, एंड अगर आपको कभी भी टॉपअप करना है साल में या फिर 12 महीने में एक बार, तो सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप किसी लोकल शॉप से उसको चार्ज करवा लें, एंड आप चाहें तो खुद से भी उसको मतलब बैटरी को टॉपअप कर सकते हैं एंड फिर उसको चार्ज करवा लीजिए आप कहीं पर, तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप देख ही सकते हैं क्या हाल हो जाती है हाथों का, एंड अगर आपको इसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है तो भी इसमें आपको कोई मतलब वो रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़े से जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेना पड़ेगा, जैसे कि आपको मेक श्योर करना है कि ये दोनों टर्मिनल्स टच नहीं होने चाहिए जब भी आप कुछ काम कर रहे हो। मान लीजिए मेरे पास तो ऐसा छोटा स्पैनर है, आपके पास हो सकता है कोई बड़ा स्पैनर हो, तो ये दोनों को टर्मिनल को टच नहीं करना है आपको। एंड जो बैटरी का जो वाटर है वो आपके मतलब स्किन पे नहीं टच होना चाहिए कहीं पे। ये जो आप देख रहे हो ये सब ग्रीस है दोस्तों, लिथियम, ये जो बैटरी पे ग्रीस लगता है वो ग्रीस है ये। एंड प्रिकॉशंस आप ले आप लोगे तो ही आप सेफ रहोगे, नहीं तो आपके स्किन पे मतलब लग के जल सकता है आपका स्किन ओवरऑल। तो बस दोस्तों यही सब था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चैनल। एंड दोस्तों अगर गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, एंड अगर बाइक पर हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।